गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम शवी। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ किसी भी चीज़ का नहीं, मैं एक रिक्वेस्ट वीडियो लेके आई हूँ। आप ही की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं स्मजिंग काजल को किस तरह से स्मज करते हैं आजकल जो ट्रेंडी है, मैं कोशिश करूंगी एक फोटो मेंशन करने की किस तरह की मैं बात कर रही हूँ। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है और मेरी बहुत ही प्यारी सी एक सब्सक्राइबर है, मेरी एक एंजल है, जिन्होंने मुझसे ये पूछा था कि ये किस तरह से करते हैं, तो मैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ और मेरी प्यारी सी सभी एंजल्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप इसको देखें, सीखें और ट्राई करें। और अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियोज आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको सिर्फ एक ही बारी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत होती है, बार बार करने की जरूरत नहीं होती है। जब वो रेड कलर का सब्सक्राइब जो लिखा होता है वो ग्रे कलर में बदल जाए, इसका मतलब आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, आपको दोबारा उसे सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा उस रेड बटन को ग्रे करने के लिए। तो साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको अपने फोन के ऊपर सारे के सारे नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे जरूरत होगी काजल की, तो मैं ले रही हूँ लैक्मे का। जी हाँ, लैक्मे आइकॉनिक काजल, इट्स अ वेरी वेरी क्या कहते हैं, समटाइम्स वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन माई टंग। ये बहुत ही अच्छा काजल है, स्मज प्रूफ है, स्मज नहीं होता है, बहुत ब्लैकिश और कोल, ब्लैकिश कोल है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टुडे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको नीचे किस तरह से करते हैं वो दिखाऊंगी, या मैं पहले आपको ऊपर दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको इसे लाइनर की तरह ही, जिस तरह से लाइनर लगाते हैं उसी तरह से आपको इसको लगाना है। आई विल यूज माई मिरर फॉर दिस बिकॉज तस्वीर में मैं अच्छे से कर नहीं पाऊंगी और आप लोग देख नहीं पाओगे। तो आई वॉन्टेड टू बी नेचुरल विद इन माई एवरी वीडियो, मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसा दिखूँ कि मैं कुछ हटा के आई हूँ, तो मैं बिल्कुल नेचुरल लगना चाहती हूँ। आप देख सकते हो इस तरह से आपको अपने कूल को इस्तेमाल करना है। देख सकते हो एक लाइन बना दीजिए, इसको फिल कर दीजिए, जस्ट लाइक जैसे आप लाइनर लगाते हो ना उसी तरह से आपको लगाना है, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। लगा दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे भी लगाना है अपनी वाटर लाइन के ऊपर इस तरह से, बट थोड़ा सा आपको दबा के लगाना है ताकि वो थोड़ा थोड़ा बाहर आ जाए इस तरह से। थोड़ा सा आपको ज्यादा लगाना है इस तरह से, ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, या तो आप अपनी फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इस तरह का ब्रश है, ये काजल स्मजिंग ब्रश ही है गाइस, बहुत अफोर्डेबल ब्रशेज है, मेरे पास इसका पूरा सेट है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा सेट पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा सेट है, और ये ब्रश जो है वो स्पेशली इसके लिए ही बना है। मैं दूसरी साइड पर आपको फिंगर से भी करना सिखा दूंगी, लेकिन पहले मैं इसके साथ आपको सिखाऊंगी। तो आपको क्या करना होता है, आपको इस तरह से इसे लेके धीरे धीरे इस तरह से आपको स्मज कर देना है, हल्के हाथ से करना है, बहुत दबा के नहीं करना, हल्के हल्के से इसको स्मज करते जाएंगे हम। ये बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट देता है, नेचुरल देता है। धीरे धीरे इसको स्मज करेंगे, इस तरह से ही ऊपर को लेके जाएंगे, इस तरह से डायरेक्शन इसकी जैसे कि मैं ले रही हूँ, और इस तरह से करते चलेंगे। इसके बाद सिमिलरली आपको ऊपर भी करना है। आप देखिए बहुत अच्छे से स्मज हो गया है, इसके बाद ऊपर भी ऐसे ही कर लेंगे। आपको साथ के साथ ही स्मज करना होता है, अगर एक बार काजल सूख जाए इसके बाद स्मजिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, सो साथ साथ में ही कर लेंगे। एक स्मोकी सा इफेक्ट दे देता है आपकी आईज को, आप जितना भी स्मज करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई हार्श लाइन नहीं बचे, धीरे 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 करके करते जाइए। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा ये। तो ये हो गया स्पंज, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि काजल है इसलिए ये स्मज हो सकता है गाइस, स्मज यानी कि इस तरह से स्मज नहीं, ये फैल के नीचे आ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह कॉम्पैक्ट लेना है, मैं लैक्मे का ले रही हूँ, और आपको चाहिए एक ब्रश इस तरह का, ये जिस तरह से फाउंडेशन ब्रश है इसी के साथ का मेरे पास बड़ा,
ये छोटा भी है। इसमें से आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है, एक्स्ट्रा को डैब कर देना है और यहाँ पर आपको इसे सेट कर देना है ताकि ये स्मज होकर नीचे नहीं आए, जहाँ है टिका रहे। इस तरह से तो ये हो गया हमारा स्मजिंग काजल। इसके बाद आप चाहें तो अपना मस्केरा यूज कर सकती हैं। मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मस्केरा, बहुत अच्छा मस्केरा है, बिल्कुल इंस्टेंट आपको एक लंबी लैशेस का इफेक्ट दे देता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो दो स्ट्रोक्स में ही इसने काफी लंबी आईज दिखाना शुरू कर दिया मेरी पलकों को। तो इस तरह से आप काजल लगा सकती हैं, मस्केरा लगा सकती हैं और एक स्मजिंग इफेक्ट दे सकती हैं अपनी आईज को। दूसरी साइड पर भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो दूसरी साइड पर भी मैंने अब काजल को लगा लिया है जिस तरह से इस तरफ लगाया था। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी फिंगर का ये जो टिप है ये इस्तेमाल करना है और इसे इस तरह से स्मजिंग करने के लिए इस्तेमाल करना है, हल्के हल्के से। सिर्फ ये हिस्सा आपके इसको वाटर लाइन को छूना चाहिए और कुछ नहीं। तो इस तरह से अगर आपके पास ब्रश नहीं है, आप कहीं बाहर है, इमरजेंसी में आपको ये करना पड़ता है, आप इस तरह से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत इजीली ये हो गया है और इससे भी अच्छा लग रहा है, ब्रश से भी। तो मैं ज्यादातर अपनी फिंगर्स से करना ही प्रेफर करती हूँ, तो आप भी अपनी फिंगर्स के साथ ही कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के ब्रशेस आते हैं, अगर आपके पास है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसी तरह से मैं ऊपर भी कर लूंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज एक हिट दे दीजिए लाइक बटन के ऊपर। 1 सेकंड लगेगा आपको लाइक करने में और 1 ही सेकंड लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग अपनी फिंगर से भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है गाइस और बहुत अच्छे लगते हैं। हम टीवी पर देख के सोचते हैं कि पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत आसान चीजें हैं, बहुत इजीली हम लोग इसे घर पर ही कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल, बाय।